नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रानी बैरागी। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राजधानी दिल्ली में कर्फ्यू लगने से नाराज संयुक्त कलाकार संघ मेलोडियस आर्टिस्ट एसोसिएशन, ओल्ड दिल्ली साउंड एंड लाइट व बैंकू अट होल के मालिक व अन्य कलाकारों द्वारा दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में संयुक्त कलाकार संघ मेलोडियस आर्टिस्ट एसोसिएशन, ओल्ड दिल्ली साउंड एंड लाइट व बैंकू अट होल के मालिक और रोजगार व्यक्ति शामिल हुए। दरअसल दिल्ली में बढ़ते ओमिक्रॉन और कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया और वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, जिस कारण कई लोगों व रोजगार व्यक्तियों को अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में सभी आर्टिस्ट ने दिल्ली सरकार से सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राजपुरा रोड से लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल के निवास तक विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सभी आर्टिस्ट ने मिलकर दिल्ली सरकार को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने दिल्ली में आर्टिस्ट के कार्यों को दोबारा खोलने की अपील की। जो भी हमारी रणनीति आज हम अनाउंस कर देंगे, अगली बार हमारा परिवार भी सड़कों पे आएगा, हमारे बीवी बच्चे भी आएंगे, हम भी आएंगे, क्योंकि सब लोग मरने को तैयार हैं। क्योंकि ये तो अपनी शाम को मीटिंग करते हैं, सुबह उठ के बोल देते हैं कि भाई साहब बैंकेट बंद कर दो, इनके सामाजिक कार्य बंद कर दो। सरकार से सिर्फ इतनी दरखास्त है हमारी, हमें आपकी कोई भी चीज फ्री नहीं चाहिए, हमें एक भी चीज फ्री नहीं चाहिए आपकी, अब हमारा काम खोलें। आप लेबर कार्ड के अंदर तो 5,000 रुपए डाल देते हैं जी, हमने इसको 5,000 रुपए क्या शो कर रहे हैं आप इस चीज से? आप कभी हम मिडिल क्लास फैमिलीज वालों से पूछे कि हम कैसे सरवाइव करें? केजरीवाल ने 2 मिनट के अंदर बोला कि तुम्हारे बैंकेट बंद, तुम्हारे सारे ये सारे सोशल बंद, सारे आपका सारा, हमारी तो परिवार भूखा मर जाएगा। यहाँ पर ये कहते हैं इन्होंने बैंकेट बंद के दिल्ली में, खुद चंडीगढ़ जाकर रैलियां कर रहे हैं। हमें पूरा अंदर से आश्वासन मिला है कि हम आपके ज्ञापन में पूरा गौर करेंगे और जो आप परेशानियों से जूझ रहे हैं उन परेशानियों का हम हल करने की कोशिश करेंगे। हमने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से बड़े अपना रोष प्रकट किया दिल्ली सरकार के सामने और मैं दिल्ली पुलिस का भी बड़ा धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। 25 गज की बस के अंदर 50 बंदे भर देते तब कोरोना नहीं हो रहा, एक 100 गज के एरोप्लेन के अंदर 250 लोग भर देते हैं तब कोरोना नहीं हो रहा, एक मॉल के अंदर 2.5 लाख लोग, मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं सिले सिटी वॉक की, 2.5 लाख लोग जा रहे हैं तब कोरोना नहीं हो रहा, आप 5 लाख लोग लेके रैली कर रहे हो तब कोरोना नहीं हो रहा, सारी मार्केटें लोगों से भरी हुई हैं तब कोरोना नहीं हो रहा, कोरोना क्या ये बोलता है मैं शाम को 5 बजे के बाद आऊंगा। आज के अंक में फिलहाल इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।